हिसार में सेंट्रल जेल वन में एक बार फिर सुरक्षा घेरे में सेंध लगी है। जी हां, हिसार की सेंट्रल जेल वन से दो मोबाइल बरामद किए गए हैं। पीएलए पुलिस चौकी में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जेल अधिकारी राजेश कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जेल से मोबाइल मिल चुके हैं। सवाल, आखिरकार जेल में मोबाइल कहां से पहुंच रहे हैं? जानकारी के अनुसार जेल में गुप्त सूचना के आधार पर टीम के साथ जेल के ब्लॉक नंबर 9 के कमरा 4 में पहुंची, जहां पर तलाशी की कार्रवाई की गई तो वहां पर बंदी सिरसा के चौटाला गांव निवासी छोटू के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इसके अलावा कमरा नंबर 3 की तलाशी ली गई, जिसके बाथरूम के दीवार में बनाए गए गुप्त स्थान से मोबाइल फोन और चार्जर बरामद किया गया। बताते चले कि कमरे में बंदी रवि, मनोज, शमशेर व सागर बंद है। जेल प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है। हिसार के पीएलए चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने बताया कि इस मामले में छानबीन की जा रही है। पिछले एक माह में 4 से अधिक बार जेल में बंदियों के बैरक से मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बंद जेल से फोन के माध्यम से अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। सवाल, आखिरकार जेल में मोबाइल कहाँ से पहुंच रहे हैं और किसकी मिलीभगत से पहुंच रहे हैं? जेल प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है। जेल से सूचना मिली थी वे कैदियों के पास मोबाइल मिले हैं, जिस पर मैंने मेरा एसआई अजय कुमार को मौका भेजा था। दो मोबाइल बरामद हुए थे। इनके खिलाफ 42 प्रिजन एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर दिया गया है और मुकदमा लाके तफ्तीश की जा रही है। टोटल 6 कैदियों के नाम इसमें सामने आए थे, जिन्होंने सख्त जाहिर किया था 6 आदमियों का ये मोबाइल यूज करके पाए गए। इन 6 के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। ये गुप्त सूचना के आधार पर जेल के अंदर ही जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं राजेश कुमार जी, जो सिक्योरिटी का कार्यभार संभालते हैं जेल के अंदर, उनके पास सूचना आई थी। उन्होंने अपने गार्डों की सहायता से तलाशी ली थी, उस समय बरामद हुए थे ब्लॉक नंबर 9 कमरा नंबर 4 में और ब्लॉक नंबर 9 के कमरा नंबर 3 में। दो कमरों में अलग अलग मोबाइल बरामद हुए, एक एंड्रॉयड मोबाइल है और एक कीपैड वाला मोबाइल है। हाँ, काफ़ी पहले भी मोबाइल बरामद हो चुके हैं, जिनके भी अभियोग अलग से अंकित किए गए थे, उनकी भी तफ्तीश जारी है। कोरोना के चलते वे प्रोटेक्शन वारंट लगाते हैं, कई दफ़ा कोर्ट भी प्रोटेक्शन वारंट जारी नहीं करती, और प्रोटेक्शन वारंट जारी हो जाते हैं तो जेल वाले कहते हैं जी अभी हम कैदी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते, कोरोना के बाद ही आपको प्रोवाइड करा पाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.